खत्म हो गया है, व्यवसाय डरे सहमे हैं और कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जो जंगल राज की दुहाई देने वाले आज सत्ता की सुख प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें यह दिखना चाहिए कि वो जंगल राज था या आज जंगल राज है। हम व्यवसायी डरे सहमे हैं, दुकान बंद करके सड़कों पर बैठे हैं। आखिर हो क्या रहा है? क्या वही पुराना दौर लौट के आएगा? मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश जी से कि शराबबंदी के नाम पर जो प्रशासनिक अधिकारियों को आपने लगा रखा शराबियों को खोजने में, क्यों नहीं आप अपराधियों को पकड़ने में इन लोगों को लगा रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? आज पूरा मंडी बंद है। बंद तो होना ही है, आज एक दिन का बंद है। आने वाला समय होगा कि जिस तरह से पलायन हो रहा था व्यवसायियों का, वो पलायन आज एक दिन के बंदी के जगह पर महीनों सालों बंद हो सकता है। दुकानें लोग छोड़ के बिहार जाने पर विवश होने वाले हैं। आँख खोलिए नीतीश जी, देखिए खोल के क्या हो रहा है आपके राज्य में। लगातार तीसरे दिन भी मर्डर हो रही है, लगातार पांच दिन मर्डर हो, क्या कहेंगे? रुक नहीं रहा है हत्या। अभी भी सुनने में आता है कि आपको खाजेकला के आसपास में कहीं फिर हुआ है। अब क्या सच है तो भगवान जाने, लेकिन हम लोग डरे सहमे हैं। लगातार 48 घंटे में 3 हत्या होना और 5 महीने में 25 हत्या होना, यह दर्शाता है कि सरकार निकम्मी है। प्रशासनिक स्तर पर जो इनकी व्यवस्था है उसकी पोल खुल चुकी है। व्यवसायी, फिर से मैं बार बार यह शब्द दोहरा रहा हूँ, व्यवसायी डरे सहमे हैं, डरे हुए हैं। 3 दिन में 3 हत्या और 2-1 जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं वो लोग बैठ के, और 5 महीने में 25 हत्या। सोचने पर विवश है हम व्यवसायी वर्ग। हम सोच रहे हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? अगर हत्या का दौर नहीं रुका तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग आंदोलन के अलावा एक विकल्प और है कि बिहार छोड़ेंगे, पटना सिटी छोड़ेंगे, व्यापार दूसरे जगह जाकर करेंगे। जान है तो जहान है, अगर जान बचेगी तो कहीं भी धरती के किसी कोने में जाकर व्यापार कर लेंगे, अगर जान नहीं बचेगी तो कहाँ व्यापार करेंगे, कहाँ से बाल बच्चे को खिलाएंगे? आलोक शाह। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।